हेलो गाइस जर्मन टाउन बेट्स फेयरवेल टू न्यूक्लियर आइज हाइड्रोजन फ्यूचर जर्मनी ने अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया अब उसका भविष्य हाइड्रोजन रिएक्टर के ऊपर है हाइड्रोजन फ्यूचर जैसे इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है वैसे ही जर्मनी अपने हाइड्रोजन फ्यूचर बनाने के लिए सोच रहा है तो ये देख सकते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बंद कर दिया गया इतने बड़े एरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर था लिनगैन थर्टी फाइव के लिए एम्सलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी में भरोसेमंद प्रोवाइड किया मिलियंस ऑफ होम्स को इलेक्ट्रिसिटी और वेल पेड जॉब्स जो यहाँ नौकरी करते थे, थे उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी जो कि एक समय ये ज़मीन एग्रीकल्चरल बैक वाटर थी यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था नाउ कंट्री का दो अदर रिमेनिंग न्यूक्लियर प्लांट को सट डाउन कर दिया गया है जर्मनी ने लॉन्ग एगो डिसाइड किया था कि फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर पावर चिंता की बात है दोनों के ऊपर क्योंकि दोनों ही सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है फाइनल काउंट डाउन सटरडे को डिले किया गया सेवरल मंथ्स ओवर द फीयड एनर्जी शॉर्टेज बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर इज सीन इसीन रिलीव बाई जर्मन कैंपेस्ड अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर फाइनल काउंट डाउन सटरडे को हुआ जर्मनी ने अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया एक न्यूक्लियर रिएक्टर बचा हुआ था सेवरल मंथ से उसको बंद नहीं किया गया था क्योंकि उसके ऊपर चिंता थी कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उससे जर्मनी के ऊपर बिजली का संकट आ सकता है तो इसीलिए जर्मनी ने उसको रखा हुआ था काम कर रहा था लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया और जर्मनी के लोग जो कैंपेन्स कर रहे थे अगेंस्ट द न्यूक्लियर पावर उनके लिए राहत की बात है जो एनर्जी प्राइजेस स्टमली हाई और क्लाइमेट चेंज ग्रोइंग कंसर्न समय कंट्री एंड अब्रॉड ब्रांडिंग कर रहे हैं मूव रैकलैस जर्मनी ने क्लोज कर दिया न्यूक्लियर स्टेशंस को अदर गवर्नमेंट्स जो यूरोप में हैं उन्होंने अनाउंस किया है बनाने के लिए नए न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर को या बैक टैकल्ड ऑन कमिटमेंट्स टू शट डाउन एग्जिस्टिंग प्लांट्स यूरोप में कुछ और देश हैं जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाएंगे साथ में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद भी कर देंगे एम्सलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन ऐसा एलबर्ट स्टैकमैन ने कहा है अ डेरी फार्मर एंड अ लॉ मेकर ऑफ फॉर द अपोजिशन चेयर क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नियर बाई टाउन ऑफ लेनियन को और सराउंडिंग एरियाज को फेडरल पार्लियामेंट में अनलाइक सम ऑफ इस कंजर्वेटिव कलेक्स स्टैगमैन जो है वरी नहीं है लाइट्स विल गो आउट इन जर्मनी वन द थ्री रिएक्टर्स एम्सलैंड नेकवेस्टर्न टू एंड इस टू स्विच ऑफ हो जाएंगे गुड के लिए ये तीन रिएक्टर थे जिनको बंद कर दिया गया है और जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी कुछ समय के लिए चली जाएगी मतलब बिजली नहीं आएगी और क्लाउड्स जो होंगे और थ्री अदर प्लांट्स इन द लेट 2021 रिड्यूस कर देते न्यूक्लियर शेयर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी में पाँच परसेंट तक लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ किसी भी ब्लैक आउट में 47 सेवन ईयर ओल्ड इज़ ऑल्सो रियलिस्टिक अबाउट द लैक ऑफ सपोर्ट द टेक्नोलॉजी एज अमॉंग द जर्मन वोटर्स फोर्टी साल के ये और जर्मन वोटर भी हैं साथ में लैक ऑफ सपोर्ट है टेक्नोलॉजी का थ्रू द एक्जिस्ट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन लिंग गैन सपोर्टेड द प्लांट बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था इस प्लांट को लेकिन इसको बंद करना पड़ा है इन द लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर पावर जो है सडनली ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है भविष्य की लेकिन इस समय ये गुड है एबल टू रैली ऑन it। कुछ समय के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन लंबे समय तक इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन जब से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और द चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक चेंज जो हो रहा है ये वाइज से थिंक करना डिले करने का शट डाउन भले देर से सही बंद कर दिया गया न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और टू और थ्री इयर्स में ही ये सारे काम हुए जो मेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उन सबको बंद कर दिया गया पॉलिटिशियंस जो हैं एडजस्ट करना होगा चेंज सर्कम्स्टेंसेज को उन्होंने कहा और उन्होंने आरोप लगाया गवर्नमेंट के ऊपर नॉट डूइंग दैट ऑट ऑल सिमिलर कंस्टेंसेज जो है रेस्ट किया गया अदर क्वार्टर्स में भी राइट नाउ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं ये क्रिटिकल सोर्स है कार्बन फ्री बेस लोड एनर्जी के तो जो न्यूक्लियर सोर्स है इसमें कार्बन नहीं होता ये बेस लोड एनर्जी है और ऐसा पीटर फॉक्स पेनर ने कहा है सीनियर ऑफिसर एट द दे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नाउ विद द बॉस्टन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी एनर्जी एफिसंसी विंड और सोलर एनर्जी ये हमारे डोमिनेंट सोर्सेज में है लेकिन इन द मेन टाइम ये वाइज वाइजेस्ट है कंटिन्यू करना एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर को एज लॉन्ग एज सेफली इज़ द प्रायोरिटी न्यूक्लियर प्लांट को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको सेफली चलाना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए उन्होंने कहा है कि बंद कर दिया तो ठीक है लेकिन वो जो चल रहा था वो बहुत ज़रूरी था पूरी दुनिया के लिए लेकिन आपका डिसीजन आपकी अपनी गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ऑफ द जर्मन चांसलर ऑल एस स्क्लूस उन्होंने क्लियर कहा था कि फर्दर एक्सटेंशन इज़ नॉट द इंड कार्ट न्यूक्लियर पावर जो है रिस्क की टेक्नोलॉजी है इन द एंड रिस्क जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता हाई टेक कंट्री जर्मनी में भी इन्वॉर्मेंट मिनिस्टर सिल्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आइड ऑफ सट में कहा है उन्होंने कहा जो डिजास्टर है जापान फ्यूकोसिमा एटॉमिक पावर प्लांट में 2011 हजार में हुआ था जब सुनामी ने नॉक्ड किया था पावर सप्लाई लीड किया था कैलेस्ट्रॉफिक मेलडाउन इवॉक किया था मेमोरीज ऑफ 1986 एटी सिक्स डिजास्टर एट द चोविल अ पावोटल इवेंट फॉर जर्मनीस एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट वन लैम किस इन्वॉर्मेंटलिस्ट ग्रीन पार्टी ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है मूवमेंट में तो ये फॉर्मल चांसलर एंगला मार्के दैन द लीडर ऑफ स्टैगमेन क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स जिन्होंने पुल्ड किया प्लग एटॉमिक एनर्जी का जर्मनी ने फॉलो किया फ्यूकोसिमा को जो डिसीजन था इसने ग्रेट भरोसा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर लिया जो कि जर्मनी का ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्टमली हाई कंपेयर्ड है सच सचैस एटम फ्रेंडली फ्रांस के साथ एट लिंगर्स मॉडर्न टाउन हेल्थ मेयर डैट्रिक रोन ने कहा है कि यहां पे मिक्सड फीलिंग है इमिनेंट न्यूक्लियस डाउन को लेकर लेकिन मार्क किया जाएगा स्मॉल क्लोज टोर्स जर्मनी इनसाइड द प्लांट न्यूक्लियर पावर जो है ये रिस्की टेक्नोलॉजी है ये तो हम जानते हैं का स्टाफ के लिए ये मोमेंट होगा सैडनेस का जो काम करते थे वहाँ उनके लिए दुख की बात होगी उन्होंने कहा लेकिन नथिंग दैट द एम्स लैंड हैज सेफली प्रोड्यूसड इलेक्ट्रिसिटी फॉर जर्मनी इसने सेफली प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी पूरी जर्मनी के लिए और इसके नेबर्स के लिए डिगेस तक यानी दस पंद्रह से लेकर के चालीस पचास साल तक इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की ऑन द अदर हैंड ये स्टार्ट था न्यू एरा का क्योंकि हम लोग को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है पिछले बारह सालों से क्रोन और अदर्स वर्क कर रहे हैं कन्वीनियंस पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स पर इन्वेस्ट करने के लिए होप कि वो की ग्रीन फ्यूल्ड होगा भविष्य में द रीज़न ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है रिनीबल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा और एम है इसका बिकम करने के लिए हब ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूज़ करेगा विंड और सोलर पावर को इन द कमिंग ईयर्स और हम लोग बिग एडवांटेज है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स यहाँ पे हैं उन्होंने कहा वन ऑफ़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ये शुरू होगा ऑपरेट करेगा लिंगन में दिस वॉल और सम ऑफ विट विल बी यूज इन मेकिंग ग्रीन स्टील और विट विल स्टीप इन यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी वॉन्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाई टू तो यहाँ से कार्बन को का पूरी तरह से हटाना है कार्बन न्यूट्रल बनना है दो तक और वो बिलीव करते हैं कि हम लोग बिकम कर रहे हैं बिगेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जर्मनी में हाइड्रोजन के लिए ऐसा क्रोन ने कहा है एज सच हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग कह रहे हैं कि ये काइंड ऑफ ब्लू है डेवलपमेंट के लिए क्रिटेक्स है न्यूक्लियर पावर के जर्मनी को भरोसा करना होगा डर्टी कोल पे और गैस प्लांट्स पर एनर्जी के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओवरकास्ट बट कॉल वेदर कंडीशन जिसमें जर्मन्स को न्यू टर्म डोंट कैल फ्लूट गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया ऐसे कंसर्न को आर्ग्यू किया थैंक्स टू यूरोप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जर्मनी इंपोर्ट करेगा एनर्जी वनडेड ऑइल रिमेनिंग नेट एक्सपोर्टर लेकिन ब्रस्ट किया साइड सजेशन कि जर्मनी नो न्यूक्लियर पॉलिसी विल हैम्पर एफर्ट्स टू कट द कंट्रीज एमिशन तो न्यूक्लियर प्लांट ना से जर्मनी की एफिशिएंसी यानी एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म होती जाएगी जिन जिन देशों को वो एक्सपोर्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी और जो जो पैसा मिलता था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा इस आर्ग्यूमेंट को जर्मनी की सरकार ने अभी के लिए मना कर दिया देने से इसके ऊपर कोई जवाब तो गाय सब्जेक्ट के गुड बाय टाटा बाय बाय